Okay, शांत हो जाना शांत हो तो जाना शांत हो जाना बेटा शांत शांत जाना हो गया ना देखिए गली गुलिया को जिस तरह का अवार्ड मिला है तेईस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है फिल्म और बहुत सारे अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं मुझे भी बहुत सारे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले लेकिन मेलबर्न में जो मिला है वो खास इसलिए है क्योंकि न सिर्फ़ जूरी जो थी वो पूरे फॉरेन मेंबर्स थे सारे बहुत सारे तो हॉलीवुड में बिजी हैं एज एन एडिटर एज ए प्रोडक्शन पर्सन एज ए साउंड पर्सन डायरेक्टर और उनमें से कोई भी हम हम में से जितने भी नॉमिनीस थे उनमें से किसी किसी को नहीं जानते थे वो आ, किसी का काम उन्होंने नहीं देखा था जो काम उन्होंने देखा वो इस समय देखा और उसके बेसिस पे उन लोगों ने हमें अवार्ड दिया गली गुलिया को इतने भारी नॉमिनेशन के बावजूद अवार्ड मिला आ, फिल्म के तौर पे मिला एक मुझे एक एक्टर के तौर पे मिला इसलिए ये फिल्म और ये अवार्ड बहुत ज़्यादा सम्मानित मा, माना गया है इसीलिए इस अवार्ड से हम सब लोगों को काफ़ी खुशी हुई है और अब हम फिल्म सात सितंबर को लेके आ रहे हैं और जब हमने ट्रेलर रिलीज़ किया और जिस तरीके से ट्रेलर को हाथों हाथ लिया गया है हमें ये आशा नहीं थी हमें अगर मैं कहूँ कि हमें बहुत विश्वास था कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म को इस तरीके से हाथों हाथ लिया जाएगा उसके ट्रेलर को ये हमें आशा नहीं थी लेकिन जिस तरीके से दर्शकों ने इस ट्रेलर को सराहा है और जिस तरह से ये वायरल हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में आश्चर्य आश्चर्यजनक है मेरी अपनी ज़िंदगी में ना ही मैंने हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट फिल्म कॉम्प्लेक्स फिल्म मैंने देखी है ना इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट किरदार मैंने किसी को निभाते हुए देखा है ये मेरे लिए ये कैसा रहा कि डेढ़ महीने पहले से मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी इस ये रोल एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक बंद कमरे में अंधेरे कमरे में रहता है लोगों के इलेक्ट्रिशियन है चांदनी चौक के एक गली में जिस गली का नाम है गली गुनिया और वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है लोगों के घरों में चुपके से कैमरे लगाता है और देखना चाहता है कि लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब आदमी है जिसे आवाज़ सुनाई देती है एक बच्चे की रोने की जिस बच्चे को उसका बाप मार रहा है उस बच्चे को ये बचाना चाहता है और पूरी फिल्म में वो बच्चे को खोजता खोजता रहता है कि, कि किसी तरीके से उस बच्चे को उस उसके बाप के मार से उस बच्चे बाप के प्रताड़ना से उसको बचाया जा सके और वो आवाज़ उसके दिमाग से जा नहीं जाती नहीं है उसके उसके कानों में हमेशा पड़ती रहती है तो ये एक ऐसे मेंटली डिस्टर्ब आदमी की कहानी है और उसकी खोज है उस बच्चे को बचाने की तो ये 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 कहानी है अगर संक्षिप्त संक्षिक्प में बताऊँ तो इसमें शहाना गोस्वामी हैं नीरज कवि हैं रणवीर शौरी हैं और जो बच्चे का रोल जो लड़का कर रहा है वो वो सच में स्ट्रीट चाइल्ड रहा है और इस फिल्म में काम कर रहा है वो सलाम बालक ट्रस्ट संस्था के साथ जुड़ा हुआ है ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किरदार रहा है करने के लिए जी जी। सर हमेशा ही एक्टर्स को जो बहुत हो, होते उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है नहीं देखिए मैं अगर इसी अवार्ड को हमारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री फंक्शन में दिया जाता तो शायद मुझे नहीं मिलता लेकिन चूँकि बाहर में मिला बाहर में ये ज़ूरी जो थी बिल्कुल आ, हम लोगों के नाम को जानती भी नहीं थी उन्होंने प्योरली हमारे काम के बेसिस पे दिया है इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम रखता है और इससे हमारी फिल्म को फ़ायदा हो रहा हमारी फिल्म के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया है इस इस अवार्ड के कारण भी बहुत सारी चर्चा में आई है फिल्म और आशा करते हैं कि जब फिल्म रिलीज होगी तो लोग भारी तादाद में फिल्म को देखने जाएंगे अपने परिवार के साथ जाएंगे क्योंकि इस फिल्म को यू यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो बिलाफ जवेरी की सबसे बड़ी जीत है अगर सत्यमेव जयते ने अपार सफलता हासिल की है तो मिलाप जवेरी हैं जिन्होंने मुझे या जॉन अब्रह को कन्विंस किया था इस फ़िल्म के लिए निखिल अडवाणी को कन्विंस किया था प्रोड्यूस करने के लिए आ, हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे शूटिंग के दौरान लेकिन मिलाप जवेरी ने हम सबको चुप कर दिया था और ये कहते हुए चुप किया था कि मैं बहुत सारी फिल्में देखता हूँ कमर्शियल फिल्में और कमर्शियल फिल्मों में, में मेरा विश्वास है आप यकीन मानिए दर्शक इन्हीं सब चीज़ों को स्वीकार करेंगे और खुशी से स्वीकार करेंगे और हम तीनों ने मिलाप जवेरी की से बात करते हुए अलग अलग उससे ये इस बात को स्वीकार किया हमने कि मिलाप जवेरी हर समय जो जो बात उन्होंने की थी वो बिल्कुल सच साबित हुए बिल्कुल सही साबित हुई तो ये जीत जो है ये सफलता जो सत्यमेव जयते को मिल रही है मेरे जॉन एब्राहम निखल आडवाणी के और टी सीरीज़ के अलावा सबसे बड़ी सफलता मिलाप जवेरी की है

गुमनामी में चला गया था तो सत्या ने जो मुझे मौका दिया सत्या ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया उसी के कारण मैं आज यहाँ यहाँ पे हूँ उसी ने मुझे जो है लोगों से परिचय कराया लोगों ने मैं लोगों को लोगों का परिचय मनोज वाजपेयी नाम के एक एक्टर एक से हुआ था उसके बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जिंदगी में और उस उतार चढ़ाव को झेलते हुए पार करते हुए लोगों की आलोचना सहते हुए लोगों की तारीफ को स्वीकार करते हुए बहुत ही हम्बल होते हुए मैं आज ये कह सकता हूँ कि 24 साल के बाद, बाद अगर मैं इस इंडस्ट्री में आज तक सरवाइव कर रहा हूँ तो शायद भगवान की कृपा रही है दर्शकों का प्यार रहा है और एक अब मेरी मोटी चमड़ी को भी बहुत बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है कि कभी जो है हार नहीं मानी नहीं हम लोग एक पार्टी करना चाह रहे थे पहले लेकिन हमने उसको पोस्टपोन कर दिया केरला कि में जो भयानक बाढ़ आई है जिससे पूरा राज्य तहस नहस हो गया है बहुत सारे जान माल की हानि हुई है हम के केरल के लोगों के साथ हैं उनके उस दग दुख के घड़ी में हम साथ हैं मैं आप लोगों के माध्यम से सारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हर जगह हेल्पलाइन के नंबर्स मौजूद हैं हर जगह जहाँ जहाँ पे सामग्री आपके पास इकट्ठी हो रही है उसको देने के लिए एड्रेसेस मौजूद हैं आपको अगर कोई धनराशि देनी है तो केरल के ब, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के का पूरा एड्रेस और ईमेल सब कुछ सोशल मीडिया पे उपलब्ध है आप कृपया करके जितना हो सके जितनी आपकी आपकी क्षमता हो आप उसमें अपना योगदान करें जरूर केरल हमारे देश का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसे कहा जाता है कि भगवान का का आप का, का अपना राज्य है वो इतना सुंदर राज्य है आज वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं आगे बढ़ चढ़ हिस्स योगदान देने में हिस्सा लीजिए और केरल को वापस अपने पैरों पर पे खड़ा होने में मदद कीजिए तो करने ताकि इस देविव वाले, देविव के वाले मेरी अब मेरी वेब सीरीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो अमेज़ॉन प्राइम के लिए है जो अगले साल 200 कंट्रीज़ में एक साथ दिखाई जाएगी अप्रैल मई में, में हो रिलीज़ होगी उसकी शूटिंग चल रही है जिसका नाम है फैमिली मैन इसे आप जरूर देखिएगा उसको देखने के लिए अमेज़ॉन प्राइम को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये वेब सीरीज़ एक ऐसी वेब सीरीज़ होगी जो न सिर्फ नई है अनोखी है बल्कि इसे सब लोग साथ में बैठ के देख सकते हैं एक ऐसा वेब सीरीज है जिसे लेकर के हम जो भी बनाने वाले लोग हैं हम बहुत ही उसे एंजॉय कर रहे हैं बनाने में और काफी काफी गर्व है कि हम इसके हिस्से इसके हिस्सा हैं ओके मनोज सर जैसे कि आपने बताया कि आपने मतलब मिलाप से सेवेरी को अपनी कहानी कहानी में बहुत विश्वास था

तो किरदार अगर थोड़ा थोड़ा सा कम खराब भी होता है तो या कम अच्छा होता है तो आप उसको और अच्छा कर सकते हैं आ, तो मैं हमेशा स्क्रिप्ट देखता हूँ और उस स्क्रिप्ट में उस किरदार को देखता हूँ मेरा जब मिलाप जवेरी ने मुझे कहानी सुनाई थी तो मैं पलक भी नहीं झपका पाया था जब उनकी नरेशन शुरू हुई थी और वही मेरा मूल मंत्र है चाहे मैं कमर्शियल फिल्म करूं चाहे मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा करूं या मैं इंडिपेंडेंट फिल्म करूं अगर वो मेरे दिल को छूती है और उसमें कुछ नयापन है तो उसको हाँ करने में बिल्कुल समय नहीं लगाता मैं जी तो मनु सर आपने कमर्शियल के भी आप मैं बड़े प्रख्यात रहे हैं और आज सिनेमा में बड़े प्रख्यात रहे हैं कोई कुछ, कुछ ऐसे किरदार जो आप 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 तक पहुंचे नहीं है या फिर अभी भी वो प्यास रह गई है कि कुछ ऐसा मैं निभा पाऊँ या फिर पूरी जि, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं वो आपको देखे इंस्पायर होते हैं वो कौन से एक्टर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं जिन, 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 जिनकी असर असर हैं नहीं जी बहुत सारे आजकल तो इतने सारे नए नए एक्टर्स अच्छा कर रहे हैं राजकुमार है नवाज़ है आ, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं विकी कौशल अच्छा कर रहा है आ, तापसी पन्नू अच्छा कर रही हैं आलिया भट्ट अच्छा कर रही हैं बहुत सारे नए नए राधिका आप्टे बहुत अच्छा कर रही हैं तो ये सब लोग सब लोगों के काम को मैं देखता हूँ सराहता हूँ उनसे सीखता हूँ ये सीखना चलता रहता है ये तो यहाँ के कलाकार हैं बाकी विदेश के कलाकारों को नए नए कलाकार आ रहे हैं और नए नए काम देखने को मिल रहा है उनसे सीखने को मौका लग रहा है आदिल हुसैन मेरे समय के हैं थिएटर के समय से वो अच्छा काम कर रहे हैं तो इन सब लोगों को देख करके सीखने को बहुत मिलता है जी, जी। जी देखिए एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन मैं उस तरह के एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगा जो कम से कम छः आठ महीने चले और इसमें रिग्रस ट्रेनिंग हो तो उसमें तो वही आ पाएगा जो पैसा दे उसको चलाने के लिए और रिग्रेस ट्रेनिंग लेने करने के लिए तैयार हो क्योंकि एक्टिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साधना है और उसको करने के लिए किसी टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको बहुत ही बड़ी साधना करनी पड़ती है तो कुछ इस तरह के एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने की मेरी अपनी इच्छा है जो इस बम्बई शहर से थोड़ी दूर हो बम्बई शहर में ना हो और जहाँ पे अगर बच्चे आएँ तो छः आठ महीने तक वो बिल्कुल बम्बई शहर से दूर होकर सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग पे बात करें और एक्टिंग सीखें एक्टिंग करें और वहाँ से बहुत सारा सीख करें फिर इस मुंबई शहर में आए मैंने तो बोल दिया लव सोनिया विमेन ट्रैफिकिंग पे है जितनी जल्दी सेंसर से पास हो जाए बहुत अच्छा रहेगा मैं और सेंसर से मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि उस फिल्म को बिल्कुल जरा सा भी न काटें क्योंकि विमेन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा इशू है हमारे समाज का एक बहुत ही हॉरिफिक क्राइम है और लव सोनिया जिस तरह की फिल्म बनी है उसमें अगर अगर बिल्कुल छेड़छाड़ ना किया गया तो जो भी उस फिल्म को देखेगा उससे प्रभावित होगा बिना नहीं रहेगा उससे अफेक्टेड होगा वो फिल्म आपको डिस्टर्ब करेगी और आप उसके बारे में सोचने पे मजबूर होंगे तो ये ज़रूरी है कि लव सोनिया बिना किसी कट के बिना किसी ज़्यादा काट छाट के लोगों तक पहुँचे ताकि लोग जान सकें कि इतना घिनौना अपराध हमारे समाज में कई सालों से हो रहा है जहाँ पे लड़कियों को छोटी छोटी बच्चियों को देह व्यापार में लगाया जाता है और ये कितना ख़तरनाक और घिनौना अपराध है बहुत अच्छी फिल्म बनी है और बहुत सारे मेरे डायरेक्टर दोस्तों ने फिल्म को देखा है और बहुत ही तारीफ की है उन्होंने उस फिल्म की विदेश में भी बहुत सारे लोगों ने देखा है मुझे याद है कि एल में जब मैं था तब डेबी मूर ने देखा था वो दो तीन घंटे तक बात नहीं कर पाई थी वो फिल्म देखने के बाद तो इस तरह का असर छोड़ती है फिल्म आ, अगर उसको काटा नहीं जाए छाटा नहीं जाए तो ये फिल्म हमारे पूरे ऑडियंस को इतना ज़्यादा झकझोरेगी कि हर कोई इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा थैंक, थैंक।, थैंक।, थैंक यू धीरे धीरे करके धीरे धीरे ध्यान रखू तो।